आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो है ना? तो शादी के लिए हाँ कह दो। खुला का नूडल्स? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तुम मुझे बताओगी? मेरे भाई को खुला का नोटिस भेज के तुम इसके साथ यहाँ पे रंगरलियाँ मना रही हो? इज्जत करती है, आप इसे इज्जत करना कहते हैं? अगर वो इज्जत करना चाहती हैं तो उन्हें क्या अपना अंदाज बदलें? इज्जत इस तरह नहीं की जाती। आपको मैं गलत लग रही हूँ? मेरा भाई गलत लग रहा है? और उसका क्या, वो जो बदमाश औरत? शरीफ लड़की है वो, इज्जतदार घराने के लोग हैं वो। दिलदार का गम आया। ये क्या मेहंदी के लिए? हाँ नहीं, ये तो अब हो गया, ये सारा उन्होंने बरी में भेजा, ये जो सूट ये अब निकाह पे भी अच्छा पहना देंगे। अच्छा, और ये सेट है। उफ, ये तो बहुत ही प्यारा है जेब। हाँ नहीं, मुझे तो ये वाली बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सारे काम हो गए? जी, खाने वाले से भी कह दिया है और बाकी भी सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए। चलो भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ, बहुत। तुमने वाकई उससे कोई बात नहीं की? पक्का बताओ मुझे। कह तो रही, आप नंबर तो मिलाते रहे, शायद कोई उठा ले। बार बार कॉल आती है लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। कब से ट्राई कर रहा हूं, कोई उठा ही नहीं रहा। हेल जा रही है वैसे, कहीं तकबीर के घर वाले तो हमें परेशान नहीं कर रहे? वो क्यों परेशान करने लगे, और इतनी जरूरत? वैसे भी तकबीर को परवाही कहाँ है, मेरा भाई जिए या मरे उसे तो अपनी पड़ी है। अब या तो तुम उन्हें कोस लो या मुझे फोन करने दो। क्यों ना कोसूं, वो तो अपने आप में मगन है। मैडम मॉल में नजर आई थी अपनी बच्ची के साथ, अच्छी खासी सेहत बना ली उन्होंने, मैंने भी नहीं बख्शा, सुना दी सब। खावर के जाने का दुख तो उससे भी जरूर होगा, वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। And she always know how to handle him. अब अगर वो थोड़ा रिलैक्स नजर आ रही है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उसे भूल जाएगी। अब देखो, खावर का ना तो हमें कुछ मालूम है और ना ही उसे, इसलिए बेहतर भी यही होगा कि तुम भी ये एक्सेप्ट कर लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो उसके घर, उसकी बच्ची की फूफो हो तुम, थोड़े पैसे रख देना उसके हाथ। मुझसे तो नहीं होते ये चोंचले, आपने ये नखरे बर्दाश्त करने हैं तो आप कर लें। चले, बहुत हो गया। सो गई है आराम से, नजर ना लग जाए, दीजिए मेरी बेटी। रे बा, तो आपकी गोद में आते ही सो गई। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है ना, ऐसे सुकून से सो जाते हैं। और आप क्यों इतना खुश हैं? क्यों ना हूँ खुश, मेरे भाई की शादी है। इसी तरह खुश रहकर। हाँ लेकिन कोई वजह भी तो हो खुश होने की। वजह है ना, ये नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, इसके सामने कभी मायूसी की बातें ना करें। और वैसे भी बुरा वक्त आता है और चला जाता, साथ नहीं रहता, तो मैं क्या पता
अल्लाह ने तुम्हारे लिए कौन सा खुशियों का दरवाजा खोल रखा। इंसान को हौसला रखना चाहिए, अल्लाह सब बेहतर कर देता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप कहाँ रह गए हैं? मैं और मूसा भाई सुबह से आप लोगों का एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, अभी घर आया हूँ। यार एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, फ्लाइट का टाइम गलत देख लिया था। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट निकल चुकी थी। ओह, अब रात को तुम्हारी बारात है और हमारा आना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अगले दो दिन तक सारी फ्लाइट्स बुक है। ये फरत से बात करो, इसका भी टेंशन ले लेके बुरा हाल हुआ है। कराए फरत जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। फरहान, क्या करें हम भी? देखो ना, इतने प्लान्स बनाए थे हमने, तुम्हारी शादी में आएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। भाभी, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। आप लोगों के ना पहुंचने का मुझे सोच तो बहुत है, लेकिन अल्लाह ने यकीनन इसमें कोई बेहतरी रखी होगी। तो मेरी बात को आप फिक्र ना करें भाई, बस आप भाभी का ध्यान रखें, हम आपको वीडियो जरूर भेजेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा कुछ बातें हैं जो तुमसे करना चाहता हूं। कुछ बातें तुम्हें तकबीर ने बताई भी होंगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। अम्मी और तकबीर तुम्हें बहुत नाजों से इस घर में लेकर आए। तुम्हें इस घर में प्यार, इज्जत, सब कुछ मिलेगा। मैं और तकबीर बचपन से एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे हैं और आज भी हैं। पता है, असल बात तो यह है कि अगर तकबीर ना होती तो मैं और तुम आज यहाँ साथ ना बैठे होते। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। एक तोहफा लाया तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। और मेरा तोहफा? आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। है, बहुत कुछ है, बस मुझे वादे दे दो कि मेरी अम्मी और बहन को कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, कभी उन्हें कोई दुख नहीं होगा तुमसे। कभी भी नहीं।
मैं कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पहनाओ। भाभी ये लीजिए। अरे ये गरम गरम पराठा मेरी भाभी के लिए। अरे वाह वाह, बड़ी खिदमतें हो रही हैं भाभी की। मेरी भाभी हैं ये इतनी अच्छी। अरे बेटा तुम भी आके कुछ खा लो, ये सिर्फ भाभी की खुशी से ही पेट भरोगी। बस मैं आई हूँ एक और पराठा तवे पे, फिर लाती। बड़ी खुश नसीब हो तुम, इतनी प्यारी नंद मिली है तुम्हें। वहां बाराते सज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि मेरे भाई को तो बर्बाद करके रख दिया ने। पता नहीं कहां दर बदर फिर रहा होगा बेचारा। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारे भाई ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तकबीर से अच्छी लड़की उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। तुम तो चुप करो। खबरदार, मेरे और मेरे भाई के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तुमने तो। आज फरहान का जहर सजा है, कल तकबीर की डोली भी उठेगी। ऐसे कैसे उठेगी डोली, जब तक खावर उसे छोड़ नहीं देता। तुम्हें पता, पहले मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि जान छूटे इस औरत से, लेकिन अब एक दफा खावर वापस आ जाए तो मरती मर जाऊंगी, इसे खुलानामे पे साइन नहीं करने दूंगी। मेरे भाई का घर नहीं बसा सकी ना तो किसी और के साथ भी बसने नहीं दूंगी। रहे इसी तरह सारी जिंदगी, शदीद नफरत है मुझे उससे। देखना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसका अंजाम अपनी आंखों से देखूं। मामू की प्यारी गुड़िया, शान है आप मामू की। अरे ये देखो कौन आया, मामी। ये देखो मामी, तारुफ कराएं अपना। मामी से तारुफ होता रहेगा, आप उन्हें लेंगे कब? चले जाते हैं, थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लें अपनी गुड़िया के साथ। टाइम स्पेंड करते हैं ना, लेकिन आंटी इंतजार कर रही है ना। अच्छा तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, इसका सोने का टाइम हो गया, पूरा टाइम टेबल खराब हो जाए। तुम लोग जाओ। चलो सही है, मैं इसे छोड़ आता हूँ, वापस अम्मी के साथ आ जाएगी। अरे साथ लेकर जा रहे हो तो साथ लेकर वापस आना। अच्छा मेरी माँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। चले। सो गई क्या? बहुत मुश्किल से सोई है अम्मी, आके लिए चाय लाऊं? अरे नहीं बेटा, चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। हाँ अम्मी, सब कितना अच्छा लग रहा है ना, लगता है घर का माहौल ही बदल गया है। वैसे ऐसे मौके पर शाजिया और मूसा ने हमारा बड़ा साथ दिया है। मूसा ने तो फरहान को सुल्तान की कमी ही महसूस नहीं होने दी। जी अम्मी, वो आपने बताया नहीं कि खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा वो दोनों तो खाना खा कर आएंगे, और हम दोनों के लिए किचन में कुछ ना कुछ होगा ही, खा लेंगे। ठीक है, मैं फरहान का कमरा समेट के आती हूँ। अच्छा ठीक है। ख्वाब इस्तकबाल हुआ है मेरा। कमरे में आते के साथ ही उन्होंने अपनी माँ और बहन के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए।
और सुबह होते के साथ ही अपनी भांजी को लाकर मेरी गोद में रख दिया। मैं तो आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन उन्हें अपनी भांजी और बहन से फुर्सत मिले तब ना पूरा वक्त तकबीर और उसकी बेटी, तकबीर और उसकी बेटी से यही होता रहा। रूम ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी खिदमत और अताज से शोहर का दिल मुट्ठी में कर लो, कदम जमा के रखो, फिक्र नहीं करो, सब मामले ठीक होते चले जाएंगे। एक दफा शोहर काबू में आ जाए बस। मुझे तो लगता है कि ये लोग हर वक्त तकबीर और उसकी बेटी को मेरे सर पे चढ़ा के रखेंगे। अरे चढ़ा के रखेंगे तो कौन सा मुश्किल है, उतार के फेंक देना। चलो उठो, अंदर आओ कमरे में, रिलैक्स करो। चलो जी जावेद भाई, कोर्ट से आज दूसरा लेटर मिल जाएगा आपको। जी मैं खुद भी नहीं लटकाना चाहता, और वैसे भी तीसरे नोटिस पे खिलाफवर्जी दायर हो जाएगी। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, खुदा हाफिज। नुज़रत, तकबीर अकेली है किचन में, हेल्प कर दो उसकी। अकेली लगी है, बहुत दावत के खाने बना रही है ना, घर में लोग ही कितने हैं। हाँ यार, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सही है, तुम आओ ना कभी मेरे घर। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये लो जूस पी लो। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? हाँ बस कपड़े प्रेस करके नहाने जा रही हूँ। अच्छा तुम जाके नहा लो, मैं प्रेस कर दूंगी। आंटी कब तक आ रही हैं? मेरी अभी उनसे फोन पे बात हुई थी, वो कह रही हैं कि खाना खा के निकलेंगी। खाना खा के क्यों, उनसे को हमारे साथ आके खाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। हेलो। हाँ मामा, आप यहीं आ जाएं, खाने यहीं खाइएगा हमारे साथ। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं आपका। ओह बेबी, जाए मामी के पास जाए। ये ले। क्या मुसीबत है, क्या हुआ है? देखे ना फरहान, सारा दूध उगल दिया उसने। दूध ही तो उगला, कौन सा कोई जहर उगल दिया उसने। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अम्मी दे मुझे। क्या हो गया फातिमा? बस मैं चेंज करा देती हूँ, कुछ नहीं। मैं क्यों सबकी गंदगियां झेल? देखा आपने किस तरह मुझे झड़क के गया सबके सामने। लेकिन तुम्हें सर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, आखिर वो बच्ची है। मेरी बच्ची तो नहीं है ना, जिसकी बच्ची है वो संभाले, उठा उठा कर मेरी गोद में डाल देते हैं। मामी मामी मामी, मैं क्यों उठाऊं उसके चौंसले? से फरहान का मुझे तुम्हारे पर इतना चीखना चिल्लाना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसी बात पे इतना बड़ा हंगामा कर दिया। कह रहा था जहर तो नहीं उगला। बच्ची ने तो जहर नहीं उगला, फरहान ने उगला, और यही जहर ना मैं तकबीर के मुंह पर फेंकवाऊं, वो भी फरहान की जुबान से, तभी मुझे चैन आएगा। इसके लिए तुम्हें फरहान का दिल जीतना होगा, इतना कि वो हर बात आंख बंद करके यकीन कर ले। वो कैसे? बैठो बताती। फरहान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज। एक शर्त पे माफ करूंगा। कैसी शर्त? यही कि तुम भी मुझे माफ कर दोगी।
मुझे तुमसे ऐसा बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत ऊंची आवाज में बात की है ना, सॉरी। आप मुझे माफी मांग के शर्मिंदा मत करें, मैं पहले ही बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। अरे गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं है, बस मैं और तकबीर एक्चुअली बचपन से बहुत क्लोज हैं, बहुत पोजेसिव हूँ मैं उसके मामले में। मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी आंखों में किसी की वजह से भी आंसू आए, उसे कोई भी दुख दे। उसने अपनी जिंदगी में काफी दुख उठाया है, बहुत अजियतें बर्दाश्त की हैं। खैर एनीवेज, तुम उसका और फातिमा का बच्चों की तरह ख्याल रखना, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं आने चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने शौहर के घर में, बल्कि ऐसा लगे कि वो अपने भाई के घर में। आप बस इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिलेगी। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अगर मूसा और आप आज लाइफ पार्टनर होते तो हालात दूसरे होते, है ना? आप और मूसा अब भी एक दूसरे को चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिलदार का गम आया। क्या कर रही हो? फातिमा को भूख लगी, उसके लिए दूध बना रही। लो मैं बना दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं बना दूं। नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हूं। वो कल मैं गुस्से में थी तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं भी ऐसी सोचती थी। जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे ना तो क्या फातिमा मेरी बच्ची नहीं है? बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। को भूख लग रही है, मैं दूध दे देती। अरे मूसा इस्लामाबाद गया है और आप बुखार में पड़ी हैं? अरे एक ही दिन की तो बात है भाभी, मूसा कल आ जाएगा। अब नहीं, इस हालत में आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं फरहान को भेजती हूँ ताकि वो आपको यहाँ ले आए। अम्मी किससे बात कर रही हैं? अरे बेटा वो शाजिया से बात कर रही थी, उन्हें बुखार चढ़ा हुआ है सख्त और मूसा भी एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया हुआ है। ओहो, तो उन्हें घर ले आते हैं? तो मैंने कहा था उनसे, मगर वो ये कह रही हैं कि उनमें तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। तकबीर तुम ऐसा करो कि तुम वहां चली जाओ उनके पास। हाँ मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर फातिमा जाग गई तो आप संभाल लेंगी ना फातिमा को? अरे बेटा मैं संभाल लूंगी, इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। पता नहीं बेचारी सुबह से बुखार में पड़ी है, कुछ खाया भी पिया भी है कि नहीं। ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिक्र मत करें। चलो ठीक है बेटा। तकबीर ये लें आपके कपड़े। तुम्हें क्या जरूरत थी लाने की? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत बुरा लगा। ठीक है, आइंदा मैं आपके कोई काम नहीं करूंगी। हाँ कोई जरूरत नहीं है मेरा काम करने की, बल्कि अम्मी के काम भी मुझ पे छोड़ दो। तुमसे फरहान का ख्याल रखा करो, उसे खुश रखा करो। अम्मी बता रही थी कि आप कहीं जा रही हैं? हाँ वो शाजिया आंटी की तबीयत खराब है, मूसा इस्लामाबाद गए हुए हैं तो मैं देख के आ जाती हूँ। अगर मूसा और आप आज लाइफ पार्टनर होते तो हालात दूसरे होते, है ना? आप और मूसा अब भी एक दूसरे को चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा?
वो आप दोनों जब भी साथ होते हैं तो आप दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी होती है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। हो सकता है मूसा सोचता। कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फातिमा सो गई है तो 2 घंटे तक कोई मसला नहीं होगा। जब वो उठ जाए तो अम्मी का हाथ बटा देना, मुझे संभलती नहीं। हाँ हाँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो। ये लीजिए, लीजिए। बस बेटे, बस थोड़ा सा। बेटा मुंह का मजा वैसे ही बहुत खराब हो रहा है। वो इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि आपको अभी भी बुखार है। तकबीर, मैं सोच रही हूँ मूसा के आने तक ये वक्त कैसे गुजरेगा। आज मुझे महविश भी बहुत याद आ रही है। तुम ना आती पता नहीं क्या होता। आपने मुझे कहाँ बुलाया? तुम मुझे अम्मी ने बताया। पराया समझने लगी है ना आप हम लोगों को। अरे कभी ऐसा हो सकता है? बस मैं यही सोच रही थी कि आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाऊंगी। दवाई खाएंगी तो ठीक होंगी ना। ये लीजिए, मैं निकाल देती हूँ। ये खाएं ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं तो तुम्हें देखकर आधी ठीक ही हो गई। आप मूसा की शादी कर दें। तुम उसे मना लो, मैं शादी करा देती हूँ। तो ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए कि वो सुनता भी तो सिर्फ तुम्हारी है ना। ठीक है, मैं सोचूंगी। ये तो नहीं सोच रही कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मूसा बिल्ली नहीं बला है। ये दवाई भी खानी है और सूप आप पूरा खत्म करेंगे। मैं किचन में सामान संभालती हूँ। हाय किस्मत, ये प्यारी बच्ची है। तुमने क्यों ठहरे से घर में? वो तकबीर मूसा के घर गई हुई है ना। क्यों? मूसा इस्लामाबाद गया हुआ है और आंटी की तबीयत खराब है। अच्छा चलो सही है। इससे क्या देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है तुम्हें इसे देखते हुए। बिल्कुल तुम्हारी बेटी लग गई। हाँ तो मेरी बेटी है। आंटी नहा ले, उसके बाद मैं फातिमा को उन्हें देके आपके लिए चाय बना दूंगी। तब तक आप फ्रेश हो जाएं। सही है, मैं चेंज करता हूँ। हेलो तकबीर, तुम हमारे घर? हाँ वो आंटी की तबीयत खराब है तो दोपहर से आई हुई हूँ। क्या हुआ अम्मी को? घबराने की बात नहीं, उनको बुखार हो रहा था, अब वो बेहतर हैं, आराम कर रही हैं। अच्छा तुम फातिमा को साथ लेकर आई हो? नहीं, अम्मी के पास है। यानी कि तुम फातिमा को घर छोड़कर मेरी अम्मी की खिदमत करने आई हो? क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए था। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। फरहान का वेट कर रही हूँ, वो शाम तक आएगा तो मैं आंटी को साथ ले जाऊंगी। अच्छा मेरी सुबह की फ्लाइट है लेकिन मैं कोशिश करके रात की फ्लाइट लेता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है। मूसा का फोन आया था, वो शाम तक आ जाएगा। अच्छा उसके लिए मैं कुछ पका लेती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप जाके बैठिए। आप जाइए बैठ जाए, आराम करें, आराम से। अच्छा
फातिमा आपके पास काफी खुश रहती है। अरे कहाँ खुश रहती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोने लग जाती है। वैसे आपने काफी अच्छा किया उसे वहाँ भेज के। हाँ बेटा, अच्छा सुलूक करने से ही आपस में अच्छी तरह जिंदगी गुजर जाती है खुशी से। और वैसे भी वो दोनों माँ बेटा ने किस तरह हम लोगों का साथ दिया है, ना दिन देखा है ना रात। सही कह रही हूँ। सलाम दोनों को खुश है। बहुत तुम्हारी याद आई मुझे, बस बेचारी तकबीर आ गई थी, जब से आई है तब से खिदमत कर रही है। हाँ मूसा भी अभी भी पहुंचा। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात अभी नीचे आता है तो मैं उसको कहती हूँ तुम्हारी बात कर ले तुमसे। हाँ बेटा ख्याल तो रख रही हूँ। चलो अच्छा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये भी तैयार हो गया। अरे तकबीर तुमने इतनी सारी चीजें बना ली बेटा। बस मेरा दिल चाह रहा था। और आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप इधर आइए और चल के आराम से बैठिए। अब एक हफ्ते तक आपकी छुट्टी, कुछ नहीं बनाना होगा, आराम से। बेटा अब तो मूसा भी आ गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी मेरी खिदमत की है। शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है। आओ मूसा। देखो बेटा तकबीर ने इतनी सारी चीजें बना डाली है। आपने कुछ खाया मम्मी? हाँ आंटी ने सूप पिया है, मैंने चाइनीज बनाया। आंटी आप आके खा लीजिए वरना आपको वीकनेस हो जाएगी। भाई आज तकबीर ने बड़ी खिदमत की है मेरी, जब से आई है एक मिनट नहीं बैठी है। घर पे कौन सा बैठती हूँ मैं आंटी। बस अब आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ और कुछ खा लो। जी मूसा, अब मैं अकेले नहीं रहना चाहती, बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं किसी मेड का इंतजाम कर लेता हूँ जो आपके साथ 24 घंटे रहेगी। अरे फिर मुझे मेड की नहीं जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो और घर में बहू ले आओ, और ये काम मैंने तकबीर को सौंपा है। बड़ा भारी काम इनके कंधों पर डाल दिया आपने। और नहीं तो क्या, अब आंटी बीमार थी मैं आ गई, रोज रोज नहीं आ पाऊंगी। बस बेटा अब तुम सोच लो शादी करने का। अरे मरने से पहले पोता पोती तो देख लूं। सुबह से गई हुई है मैडम, घर आने का नाम ही नहीं है, बच्ची तक की फिक्र नहीं है उसे। अरे माँ ने खुद भेजा तो उसे फिक्र क्यों होगी। फरहान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों माँ बेटी की पूरी कोशिश है कि मूसा को फंसा लिया जाए। मगर ये मामला तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ना। देखो ना हर वक्त तुम्हारे सर पर बच्ची के साथ सवार रहती है। मैं तो कहती हूँ मामा वो रात भी वहीं गुजार कर है, और किसी तरह उसकी नंद को पता चल जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है ये बातें कब तक छुपी रहती है। मगर तुम इस मामले से दूर रहो। देखो फरहान को अपने पल्लू से बांध कर रखो, और सुनो जरा एहतियात करना, ऐसा ना हो कि घर के कोई अफराद हमारी बातें सुन ले वरना सारा मामला खराब हो जाए। ठीक है मामा, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। चलो खुदा हाफिज। तुम्हारे खुला का क्या हुआ? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, फरहान ने नोटिस नहीं भिजवाया क्या? पूछा नहीं मैंने फरहान से। तकबीर पूछा नहीं? क्या फर्क पड़ता है मूसा? मैं तुम्हारे बारे में अभी सीरियस हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। प्लीज मूसा। तकबीर मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना आपसे मैं खामोश रहना चाहती हूँ। Thank you.
मैं छोड़ देता हूँ। मैंने तो तकबीर की ड्यूटी लगा दी थी माविश। हाँ अच्छा चलो अल्लाह हाफिज। मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है तो इसकी जरूरत भी क्या है, बस अपनी कान और आंखों को खुला रखो और जुबान बंद। अरे वाह ऐसे कैसे, मैं उस घर की फर्द नहीं हूँ क्या? मालूम है कि तुम उस घर की फर्द हो लेकिन बाज़ दफा मसले खुद बखुद हल हो जाते हैं, बस अपनी ज़बान को मीठा रखो। मुझे कुछ समझ नहीं आ। बच्ची हो अभी, हमारा तजुर्बा इसी तुम्हें बता रहे होते। बात को समझने की कोशिश करो और ऐसी कोई बात मत करो जो बात को खराब कर दे। दिलदार का बेटा एक बात कहूँ बुरा तो नहीं लगेगा? ये फूल उतार के जाओ। फरहान साथ था तो मुझे दुआएं देने लगे, सदके वारी जाने लगी। फरहान की वजह से मुझे भी बड़ी बी की बात माननी पड़ी, नोच कर उतार दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मामा, तुम माँ बेटी ना मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। बस आप फरहान से कहें कि खुला का मसला जल्दी से हल करवा दे। बेटा अगर तुम तकबीर को अपना लो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। ये एहसान नहीं आंटी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। हमने तो सर है महफिल, हमने तो सर है महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनका